क्योंकि मैं अपना ये वाला फोन बेचूंगी या फिर मैं किसी को दूंगी नहीं, ये फोन हमेशा मेरे साथ ही रहेगा 12 प्रो, क्योंकि मेरे को बहुत प्यारा फोन लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी के इस वीडियो में बात करने वाले एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा के बारे में। दोस्तों, कीर्ति मेहरा ने फिर से कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसके कारण उनके ब्लॉग में सभी लोग एल्विश यादव के बारे में कमेंट करने लगे। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आज से 2 दिन पहले कीर्ति मेहरा ने अपने चैनल पर एक ब्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने अपने ऑडियंस से पूछा था कि क्या उनको आईफोन 14 प्रो लेनी चाहिए या नहीं, जिसके बाद दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि हाँ आईफोन 14 प्रो ले लो क्योंकि उसमें वीडियो क्लियर आती है एंड इमेज भी क्लियर आती है। दोस्तों, काफी लोगों ने यह भी सजेशन दिया कि आपका जो फोन है 12 प्रो उसको बेच करके 14 प्रो ले लो, जिसके बाद दोस्तों कीर्ति मेहरा का इस पे बहुत ही अजीब टाइप का रिप्लाई आया, वो आप लोग यहाँ पे देख लो। और मैंने पिछली व्लॉग में कमेंट पढ़े सबके कि 14 प्रो ले लो या फिर अच्छा फोन है, क्लैरिटी अच्छी है, सो ठीक है मैं 14 लूंगी। बट कुछ लोगों के मैं डाउट क्लियर कर दूँ कि मैं अपना ये वाला फोन बेचूंगी या फिर मैं किसी को दूंगी नहीं, ये फोन हमेशा मेरे साथ ही रहेगा 12 प्रो, क्योंकि मेरे को बहुत प्यारा फोन लगता है, तो नया फोन और ले लेंगे। ठीक है गाइस, मतलब ऐसे फॉर्च्यूनर हो गई, डिफेंडर हो गई, लेजेंडर हो गई, मतलब मैं ये अपना बता रही हूँ, जैसे अजू के पास है तो उनमें थोड़ा व्हाइट कलर बढ़िया लगता है, ब्लैक कलर और बढ़िया लग सकता है, मैंने देखा नहीं, बट मेरे को लगता है वो थोड़ी नेता टाइप कार्स हैं, उनमें व्हाइट कलर बढ़िया लगते हैं। बाकी तो काफी लोगों को यह लग रहा हो कि आखिर कीर्ति मेहरा यह फोन क्यों नहीं बेचना चाहती है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कीर्ति मेहरा को यह फोन उनके एक्स बॉयफ्रेंड एल्विश यादव ने गिफ्ट की थी। एंड दोस्तों आपको पता हो कि जब आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो आपके दिल के कितना ज्यादा करीब हो जाता है। दोस्तों यही कारण है कि कीर्ति मेहरा इस फोन को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। एंड दोस्तों बात करें एल्विश यादव को, तो एल्विश यादव का न्यू वीडियो आ चुका है बदमाशी पार्ट 2, जिसकी एंडिंग काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, तो देखिए इसके रिगार्डिंग बात करते हुए एल्विश यादव ने क्या कुछ बोला। और वीडियो का जो एंड है ना, कमाल। तुम मैं ये वाली स्टोरी देख रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम खुद वापस आओगे मेरे को मैसेज करने या फिर कमेंट करने कि एल्विश भाई बिल्कुल सही बात बोली तुमने, एंड वाली बेस्ट एंड बेस्ट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कीर्ति मेहरा सच में एल्विश यादव से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उनके दिए हुए गिफ्ट को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, या कोई और रीज़न है? तो दोस्तों आप लोग को जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।